नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। डेंगू चिकनगुनिया का बढ़ता प्रकोप, केजरीवाल सरकार को फटकार। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बर्ड फ्लू की शिकायतों पर भी चिंता जताते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए केजरीवाल सरकार को शुक्रवार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने बर्ड फ्लू की शिकायतों पर चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी की हवा प्रदूषित हो गई है। मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा कि दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से चिड़ियाघर और डियर पार्क बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में चिड़ियाघर एवं अन्य स्थानों पर बर्ड फ्लू से अब तक 17 पक्षियों की मौत हो चुकी है। अदालत ने कहा कि हमने रिपोर्ट में पढ़ा है कि अब दिल्ली की हवा खराब हो गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले दिनों डेंगू और चिकनगुनिया से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 3000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री फतेंद्र जैन पर अक्टूबर माह की शुरुआत में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उन पर यह जुर्माना डेंगू जांच में असफल रहने वाले अधिकारियों के बारे में हलफनामा दायर नहीं करने के एवज में लगाया गया। तब अदालत ने जैन को लेकर तीखी टिप्पणी भी की थी। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर राजधानी में राजनीति भी जमकर हुई। उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच काफी समय तक तनातनी चली। आप और विपक्षी पार्टी भाजपा में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आपने भाजपा नीत नगर निगमों और उपराज्यपाल नजीब जंग को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसी बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के शहर से गैर हाजिर रहने को लेकर उनकी आलोचना की थी। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि शीर्ष अदालत की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार सबक लेगी और बर्ड फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाएगी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ललिता दवास हत्याकांड मामले में कबड्डी खिलाड़ी पति रोहित कुमार गिरफ्तार। कांग्रेस का आरोप, देश में प्रतिदिन खत्म हो रही हैं 550 नौकरियां। लीबिया में आईएस के कब्जे से 2 भारतीयों समेत 5 विदेशी नागरिक छुड़ाए गए। सुप्रीम कोर्ट का झटका, बीसीसीआई के खातों की जांच के लिए ऑडिटर नियुक्त होगा। दूरसंचार विभाग ने कहा मोबाइल टावर रेडिएशन का नहीं होता कोई दुष्प्रभाव। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।